नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर नंबर 16, केन और मे, राइट? ये यू कैन सी द टू न्यू वर्ड्स गिवन। केन और मे हमारा थर्ड स्टैंडर्ड में फर्स्ट बार टॉपिक आया है, राइट? सो ऑन द पेज नंबर 61 इन अवर यस ग्रामर बुक, ये यू कैन सी दैट वन पिक्चर इज गिवन, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री क्लाउड्स आर हियर। इन द फर्स्ट क्लाउड Woohoo, look at me, can fly. In the second cloud, wow, Grandma, Titi is having so much fun. May I try peregrining too? In the third cloud, ha ha, why do you want to peregrine, silly? You can fly on your own, can't you? Here you can see that Titi hai. Wo kya kar raha hai? Yes, paramount होता है उसमें उड़ रहा है, राइट? तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रामा को, क्या मैं भी ये पैराग्लाइडिंग कर सकता हूँ? तो ग्रामा ने आंसर दिया कि तू तो अपने ओन फ्लाई मतलब खुद से उड़ सकता है, ओके? क्योंकि मैक के पास तो विंग्स है, राइट? तो वो खुद ब खुद उड़ सकेगा ना? यस। चलो, सो हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट टॉपिक इज केन। वेयर डू वी यूज केन? केन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? वी यूज केन टू से दैट वी हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग। हमारे में कोई एबिलिटी है करने की, राइट? तब हम किसका यूज करेंगे? केन, ओके? हियर यू कैन सी दैट थ्री एग्जाम्पल आर गिवन इन अवर ग्रामर बुक। फर्स्ट वन इज आई कैन रन वेरी फास्ट। आप सब क्या कहोगे? आई लर्न ग्रामर टॉपिक, आई कैन लर्न ग्रामर टॉपिक, राइट? ही कैन लिफ्ट दैट हैवी बैग, शी कैन डांस ब्यूटिफुली, ओके? सो एक्सरसाइज ए, लुक एट मिस्टर शो ऑफ द बिग ब्राउन बियर, ही सेज ही कैन डू मैनी थिंग्स, डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ? मिस्टर शो ऑफ है वो बिग ब्राउन बियर है, वो ऐसे कह रहा है कि वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ? क्या आपको लगता है वो सच बोल रहा है? टिक राइट द बॉक्स इफ यू थिंक ही इज राइट, राइट टिक करो अगर आपको लगता है कि हाँ ये सच बोल रहा है, ओके? फर्स्ट वन इज आई कैन हिट अ बॉल बेटर देन सचिन। सो हियर यू कैन सी दैट द बियर इज बिग एंड टोल, बिग एंड टोल है, राइट? तो वो सचिन से ज्यादा खेल सकता है, बॉल को हिट कर सकता है, यस। तो हम फर्स्ट बॉक्स में राइट टिक करेंगे, ओके? नेक्स्ट वन नंबर टू, आई कैन सिंग बेटर देन सोनू निगम। क्या वो सोनू निगम से अच्छा गा सकता है? नो। तो हम सेकंड वाला बॉक्स एम्प्टी यानी कि खाली रखेंगे। नंबर थ्री, आई कैन फ्लाई। भालू कभी उड़ सकता है? नो। सो थर्ड ब्लैंक, थर्ड बॉक्स इज एम्प्टी। नंबर फोर, I can get fresh honey from the tree. मैंने आपको बोला भालू लंबा होता है, बियर इज टॉल, तो वो ऐसे हाथ करेगा तो उसको तो इजीली हनी मिल जाएगी ना, राइट? तो फोर्थ बॉक्स में हम राइट टिक करेंगे। नंबर फाइव, आई कैन लिव हैप्पीली विथ माय फ्रेंड्स। हियर यू कैन सी दैट द पिक्चर ऑफ बियर इज प्लेइंग क्रिकेट। जो बियर का पिक्चर है वो खेल रहा है, राइट? तो किसके साथ खेलता होगा? क्या आप क्रिकेट अकेले खेल सकते हो? नो। तो
अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता होगा ना, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट द फर्स्ट फिफ्थ सेंटेंस इज आई कैन लिव हैप्पीली विथ माय फ्रेंड्स। सो द आंसर इज यस। सो फिफ्थ बॉक्स में हम राइट क्लिक करेंगे। आई कैन कुक स्पैगेटी। स्पैगेटी मीन्स मैंने आपको जूम में बताया था वन टाइप ऑफ पास्ता, राइट। तो क्या भालू उसको बना सकता है? नो। तो सिक्स बॉक्स इज एम्प्टी, हम खाली रखेंगे। डन। फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ बॉक्स में हम राइट क्लिक करेंगे। सेकंड थर्ड एंड लास्ट, इट मीन्स टू सिक्स। हाँ यस, आपको पता चल गया। फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ में मैडम ने राइट क्लिक करवाया एंड सेकंड थर्ड एंड लास्ट में एम्प्टी यानी कि खाली बॉक्स। टर्न द पेज ऑन द पेज नंबर 62। वी यूज कैन नॉट और कांट टू से दैट वी डोंट हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग। कैन नॉट और कांट का यूज कब करेंगे? जब हमारे में कुछ करने की एबिलिटी नहीं होगी, यानी कि हम वो काम नहीं कर सकते, राइट। ये यू कैन सी दैट फोर एग्जाम्पल आर गिवन। फोर एग्जाम्पल ऑन द लेफ्ट साइड एंड फोर एग्जाम्पल ऑन द राइट साइड, राइट। सम डिफरेंस आर हियर। लेट्स रीड। आई कैन नॉट फ्लाई, उसके सामने लिखा है आई कांट फ्लाई। आई कैन नॉट लिव अंडर वॉटर, आई कांट लिव अंडर वॉटर। वी कैन नॉट लिव ऑन मार्स, लाइफ ऑन मार्स। वी कांट लिव ऑन मार्स। ही कैन नॉट रीड ग्रीक, ही कांट रीड ग्रीक। ओके, सो इन द लेफ्ट साइड यू कैन सी दैट कैन नॉट इज गिवन एंड इन द राइट साइड यू सी दैट कांट इज गिवन। ओके, नेक्स्ट वन एक्सरसाइज बी। हियर इज अ लिस्ट ऑफ फ्यू एक्टिविटीज। हाउ मेनी ऑफ दिस कैन यू डू, इसमें से आप क्या क्या कर सकते हो? यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स टू से टू और थ्री एक्टिविटीज यू कैन डू एंड टू और थ्री एक्टिविटीज यू कैन नॉट डू। राइट दिस सेंटेंसेस इन द स्पेस बिलो। जो नीचे आपको स्पेस दी गई है उसमें आप ये एक्टिविटीज लिखो। ओके, सो इन द बॉक्स सम एक्टिविटीज आर गिवन। फर्स्ट वन, आई कैन एड नंबर्स, टू लाइन लीव। उसके बाद क्या दिया गया है? आई कैन नॉट टाई माई शू लेस, आई कांट टाई माई शू लेस। ओके, तो फर्स्ट दो जो जगह दी गई है उसमें हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऐड करेंगे, सेकंड जो दो लाइन दी गई है उसमें हम नेगेटिव ऐड करेंगे। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट आई कैन राइड अ बाइसिकल, आई कैन स्विम। नेक्स्ट वन, जहां नेगेटिव दो सेंटेंस ऐड करना है, आई कैन नॉट सेंड एन ईमेल, आई कैन नॉट शू अ बटन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मे। वी यूज मे टू आस्क समवन परमिशन टू डू समथिंग दे वी वांट टू डू। हमें जो करना है उसकी परमिशन लेनी है। आप मैडम से क्या पूछते हो? मे आई कम इन, पूछते हो ना? यस और नो, राइट। तो बस वही मे हमें यहां पे यूज करना है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। वी यूज मे टू आस्क समवन, किसको पूछना, परमिशन टू डू समथिंग, परमिशन देना, दे वी वॉन्ट टू डू, जो हम करना चाहते हैं। ओके, लुक एट दिस एग्जाम्पल्स। मे आई यूज योर फोन, अगर हमें किसी का फोन यूज करना है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। यस और नो? यस। मे आई गो आउट एंड प्ले, क्या मैं बाहर जाके खेल सकता हूँ? परमिशन किससे लेनी पड़ती है? पेरेंट्स से। वेरी गुड। रीड हाउ ओमर आस्क्ड हिज पेरेंट्स परमिशन। चलो रीड करो कि ओमर अपने पेरेंट्स से कैसी और क्या परमिशन लेता है। ओके, हियर यू कैन सी दैट वन क्लाउड इज गिवन ऑन द पेज नंबर 62, राइट। डैड पहले फादर से परमिशन लेता है। डैड मे आई गो विथ माई क्लास,
टू वॉच द फिल्म टुमोरो? मॉम, मे आई टेक सम चॉकलेट्स फ्रॉम द फ्रिज टू शेयर विथ माई फ्रेंड्स टुमोरो? मे आई टेक सम कॉमिक बुक्स टू रीड ऑन द बस? ओके, सो हियर यू कैन सी दैट ओमर आस्क हिज पेरेंट्स परमिशन, राइट? नेक्स्ट, ऑन द पेज नंबर 63, एक्सरसाइज सी, इमेजिन इट इज संडे, आज संडे है, इसे इमेज करो. यूज द वर्ड्स बिलो टू राइट क्वेश्चन टू आस्क योर पेरेंट्स. हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट वन इज वी प्ले अ बोर्ड गेम. आगे क्या ऐड किया है? मे वी प्ले अ बोर्ड गेम. नेक्स्ट वन इज आई मेक ब्रेकफास्ट. सो द आंसर इज मे आई मेक ब्रेकफास्ट क्वेश्चन मार्क. ओके, राइट. आई गो टू द हेयर ड्रेसर्स. हमें सिर्फ मे को आगे लगाना, एड करना है. ओके, मे आई गो टू द हेयर ड्रेसर्स, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क. आई वॉच कार्टून्स. मे आई वॉच कार्टून्स, क्वेश्चन मार्क. वी गो टू द पार्क टू प्ले फ्रिस्बी, राइट. मे वी गो टू द पार्क टू प्ले फ्रिस्बी. ओके, क्वेश्चन मार्क. यस, आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू लर्न नंबर 4. वी कैन परमिट समवन टू डू वॉट ही और शी इज आस्किंग बाई सेइंग यस, और वी कैन रिफ्यूज परमिशन बाई सेइंग नो. अगर हमें उसे परमिशन देनी है तो हम यस कहेंगे. अगर उसकी परमिशन को रिफ्यूज यानी कि उसको ना बोलना है, उसको परमिशन नहीं देनी है, तो हम नो बोलेंगे. ओके, लुक एट दिस एग्जाम्पल्स. मे वी बोरो योर स्टोरी बुक. क्या मैं तेरी स्टोरी बुक ले जा सकता हूँ? बोरो का मीन्स होगा उधार लेना. मीन्स आज मैं तेरी स्टोरी बुक लेके जाऊं, जब मैं पढ़ के कंप्लीट करूंगा तुझे वापस दे जाऊंगा. ओके, यस यू मे. हाँ, तू ले जा सकता है. अगर हमें परमिशन देनी है तो आंसर क्या लिखेंगे? यस यू मे. मे आई प्लक दिस फ्लावर्स. प्लक मीन्स गार्डन में जाते हो, कोई फ्लावर अच्छा लगता है तो क्या करते हो? उसे खींचते हो ना, राइट. सो मे आई प्लक दिस फ्लावर्स? नो, यू मे नॉट. ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज डी, रीड द क्वेश्चन, मेक आस्क ग्रामा, राइट ग्रामास आंसर, रिमेम्बर टू यूज यस और नो. हमें क्या यूज करना है? यस और नो. सो हियर यू कैन सी दैट नंबर 1, मे आई डांस ऑन योर कंप्यूटर. क्या मेक ग्रामा के कंप्यूटर पे डांस कर सकता है? नो. सो द आंसर इज नो, यू मे नॉट. नंबर 2, मे आई गिव अवे योर बुक्स. नो, यू मे नॉट. थर्ड वन इज मे आई ईट योर एप्पल. यस, यू मे. हमें शेयर करके खाना चाहिए ना, राइट. नंबर 4, मे आई सिंग अ सॉन्ग फॉर यू. यस, यू मे. मे आई सीट एट योर स्टडी टेबल क्वाइटली एंड रीड अ बुक. यस, यू मे. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट एक्सरसाइज डी हैड कंप्लीटेड एंड ऑल्सो चैप्टर नंबर 16 कैन और मे हैड कंप्लीटेड. Thank you for joining us.